सर हुआ ऐसा कि हमने आज से 15 से 18 दिन पहले अपने भाई को नशा मुक्ति में एडमिट किया था। हमारी ये बात हुई थी कि हम मारते नहीं हैं, हम इलाज कराते हैं, हम मेडिकल कराते हैं। उन्होंने हमारे से एक्स्ट्रा पैसे भी लिए मेडिकल कराने के, ठीक है। अब हमने उनको बोला मिलवा दो, तो उन्होंने मिलवाया नहीं, फ़ोन नहीं उठाया हमारा, ठीक है। मिलने के लिए बोला कि 40 दिन बाद मिलवाएंगे, हमने चलो कोई नहीं, थोड़ा आराम देने बाद मिलाएंगे। आज ऐसा हुआ कि घर पर कोई नहीं था, मेरी छोटी बहन थी, सुबह 7:30 बजे के दिन ज़्यादा खटखटाया और दरवाजा जो खोला, उन्होंने बॉडी रखी पैरों में हमारे और भाग गए। रोकने की कोशिश की, मूल जाल नहीं रुके। उसके जो हैं ऑनर वो हैं प्रशांत जुएल जी। और सर हमारा कहना यह है कि अभी क्लेमेंटॉन थाना आया है, क्लेमेंटॉन थाना कह रहे कि बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए दे दो। उसकी पूरी बॉडी पे निशान है मारपीट के, बहुत ज़्यादा कान से खून निकल रहा है, ये एल्बो टूटी हुई है, पूरी कमर पे डंडों के निशान है, पूरे पैर, एक पैर भी शायद उसका फ्रैक्चर है, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम के लिए दे दो। हम कार्रवाई चाहते हैं, अगर हम पोस्टमार्टम के लिए दे देते हैं तो देखिए खुली बात ये उत्तराखंड सरकार है, उत्तराखंड सरकार का जो मैं आपको खुला बताता हूँ, अभी जो हमारा यहाँ का दिनेश जुएल है वो उसका भतीजा है, और दिनेश जुएल के कहने पे ही यहाँ पे सब कुछ होता है। जो फाउंडर जो का जो है ना ओनर नशा मुक्ति का, दिनेश जुएल का भतीजा है वो, उसके कहने पे सब कुछ यहाँ पे होता है, उसके कहने पे सरकार उठती है और बैठती है। कहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र? नशा मुक्ति चंद्रमणि में है, अरध्या फाउंडेशन के नाम से है। और जो ये है जो नशा मुक्ति वाले हैं, ये बहुत बड़ी तगड़ी पार्टी है, बहुत पैसा है इनके पास, इनके कहने पर मुख्यमंत्री भी आता है, मुख्यमंत्री के कहने पर उठता है, मतलब इनकी बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत अच्छी पहुँच है। हम ये कह रहे हैं अगर आप पोस्टमार्टम के लिए जा रहे हैं, कल को क्या गारंटी है, कौन कह रहा है कि ये तो बिना बीमारी से मर गया है? अब तो हमें तो क्लियर दिख रहा है पूरा, इतने लोग आए तो बेवकूफ़ तो है नहीं कि फालतू में खड़े हैं। वीडियो दिखा दूंगा आपको मैं, हाथ टूटा हुआ, पैर टूटा हुआ, सिर से खून आ रहा है, पैर से यहाँ से खून आ रहा है, आँख यहाँ से खून आ रहा है, नाक से। तो कल को वहाँ पे डॉक्टर ने फ़ोन चला गया, हाँ जी सर मैं ऐसा कर दूंगा कि भाई हो गया कि हाँ ये तो इस कारण मरा था, इसको किसी ने मारा पीटा नहीं है। फिर हमारा क्या होगा सर? हमारा तो अभी सामने दिख रहा है कि हाँ पीटा हुआ है, मरा हुआ है, अभी बिल्कुल सामने दिख रहा है। देखिए टर्ना रोड है क्लेमेंटाउन क्षेत्र में, यहाँ से एक सूचना आई थी कि एक जो युवक है उसको उनके उसके परिजनों द्वारा जो है नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया था। आज सुबह जो है उनके द्वारा उसकी डेड बॉडी से घर में छोड़ी गई है। इसी चीज़ को लेकर के इन्होंने जो है पुलिस को सूचना दी है, हम लोग मौके पर हैं, जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। देखिए अभी तो यहाँ पर सूचना मिली है, अभी जो हमारी जो कार्रवाई होती है जिसमें पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की है वो कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद जो भी तहरीर दी जाएगी उसके अनुसार जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।